किसानों के आंदोलन को लेकर अनाज मंडी व्यापारियों से उनके मन की बात जानने के लिए न्यूज 91 की टीम ने उदयपुर कृषि उपज मंडी का दौरा किया। आंदोलन से जमीनी हकीकत सामने आई। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का असर हालांकि उदयपुर की कृषि उपज मंडी पर ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन व्यापारियों की पूरी आशंका है कि इससे मंडी का कारोबार प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि जो बिल केंद्र सरकार लेकर आई है उसके जरिए किसान का मंडी में आना कम हो जाएगा, इससे व्यापारियों से सामंजस्य टूट जाएगा। कंपनी अगर सीधे किसानों के साथ मोलभाव करेगी तो जितने भी इस व्यापार की कड़ी से जुड़े हुए लोग हैं उन पर असर पड़ना लाजमी है। ऐसे में सरकार सभी के बारे में सोचते हुए कदम उठाए। इस आंदोलन से उदयपुर कृषि उपज मंडी में माल की आवक पर असर पड़ा है, जिससे छोटे व्यापारियों को, हमालों को, ट्रांसपोर्टेशन के काम से जुड़े हुए वाहन मालिकों और ट्रक चालकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अनाज व्यापारियों की माने तो जल्द से जल्द सरकार किसान व्यापारियों के बारे में सोचते हुए उचित निर्णय ले ताकि मंडी व्यवस्था कायम रहे और लोगों को रोजगार भी मिलता रहे। किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि इस आंदोलन की वजह से आप लोग गलत राह की तरफ नहीं जाए। और आज मंडियों का ये स्थिति हो गई है कि माल की आवक नगण्य की तरह बराबर हो गई है। इस आंदोलन से छोटे किसान जो आ रहे थे वो भी रुक गए हैं और मंडियों में आवक बिल्कुल शून्य के बराबर है। मैं इतना ही कहता हूँ, सरकार इस पर जल्दी तुरंत प्रभाव से विचार कर किसानों को भी राहत दे, उनके मन का जो संदेह है उसको भी दूर कर दे। किसान आंदोलन से उदयपुर मंडी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये खपत मंडी है, यहाँ के किसानों को इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारा ये कहना है कि भाई जब मंडी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो किसान और व्यापारी के बीच जो एक संबंध बना हुआ है वर्षों से, जब किसान बीज बोता है तब से व्यापारी के संपर्क में रहता है, वो पैसा लेके जाता है व्यापारी से, उसकी माल की खपत करता है, माल बोता है और वापस ला के उसको बेचता है। जब ये कार्य खत्म हो जाएगा तो मल्टीपल जो कंपनियाँ हैं वो अपनी मनमानी करेगी, वो डायरेक्ट किसानों को वहाँ उनके खेत पर जाकर पैसा दे के आ जाएगी। इसमें बहुत से घपले होंगे, बहुत से गालमाल होगा। अगर व्यापारी और किसान के बीच संबंध बने रहते हैं तो एक विश्वसनीयता रहती है और उससे दोनों को आपसी विचार विमर्श और आपस में काम करने का अच्छा अवसर मिलता है। हमने राज्य सरकार से भी निवेदन किया, केंद्र सरकार से भी निवेदन किया कि मंडियों का अस्तित्व रखे। जो मंडी टैक्स कृषि मंडी के बाहर वालों पर समाप्त किया है अभी इन्होंने, उसमें हमारा यह कहना है कि मंडी टैक्स भले समाप्त कर दे लेकिन एक यूजर टैक्स के रूप में सभी व्यापारियों के ऊपर एक टैक्स निरंतर कायम रखे, ताकि मंडी के बाहर दो नंबर के जो काम हो रहे हैं वो नहीं हो और सभी लोग अच्छे से एक नंबर में काम करें और मंडी का अपना अस्तित्व बना रहे। मंडी नहीं चलने का कारण एक तो टैक्स की मार और दूसरा ये कृषक आंदोलन। कृषक आंदोलन की वजह से सारे कृषक एक दूसरी जगह जाते हैं और यहाँ माल आने में कम आता है, तो इससे क्या है कि मंडी की आय भी रुकती है, मंडी का काम भी प्रभावित होता है और मंडी के हेमाल, व्यापारी, दलाल सारे लोग परेशान होते हैं। मंडी में आवक नहीं होने की वजह से सारा काम अव्यवस्थित है और ये कृषक आंदोलन अगर ख़त्म हो जावे उसके बाद के क्या होता है ये देखने का। व्यापारियों को मतलब नुकसान पूरी कृषि मंडी को भी हो रहा है, व्यापारियों को भी हो रहा है, दलालों को भी हो रहा है, हेमालों को भी हो रहा है। नुकसान तो क्या है कि मंडी में माल आएगा तो उसे व्यापारी भी कमाएंगे, दलाल भी कमाएंगे और हेमालों के भी काम होगा। माल नहीं आने की वजह से सारों को नुकसान है, किसी को भी फायदा नहीं है और आने वाले समय में हो सकता है शायद ये मंडी चल पाए या न चल पाए। अगर राज्य सरकार का, केंद्र सरकार के ये हस्तक्षेप चलते रहेंगे तो मंडी में माल आना बहुत मुश्किल है।